हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़े। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और शाम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसको मैं आपको 5 तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। एक कटोरी मैंने पहले बेसन लिया है, उसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया और कैरम सीड्स, अजवाइन जिसको हम कहते हैं वो, नमक, हल्दी, मिर्च और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फिर हल्का हल्का इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा हमको पतली चाहिए और ना ही मोटी। पहले ब्रेड पकौड़े में मैंने 2 पीसेस लिए हैं। एक में मैं रेड चटनी लगाऊंगी, जिसे हम इमली की चटनी कहते हैं, और दूसरे में धनिया और पुदीने की चटनी। इनको दोनों को कंबाइन करके हम काट लेंगे। जैसे भी आपको काटना है, चौरस काटने हैं, साइड पे काटने हैं, ट्रायंगुलर, भी आपके ऊपर है। दूसरे में हमने क्या किया है, चटनी डाली है, साथ में मैंने आलू का मिक्सचर बना के रखा था, जिसमें लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा धनिया, वो भी हमने डाल लिया। ये हमारा दूसरे तरीके का ब्रेड पकौड़ा हो गया, पोटैटो के साथ एंड विद चटनीज। फिर हम एक ब्रेड पकौड़ा सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे बच्चों को चटनी या आलू नहीं पसंद जिनको। एक हम डबल ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, जो हमने ट्रायंगुलर बनाया है दोनों को जॉइन करके, और एक सिंगुलर। एक हम सिर्फ आलू के साथ बना रहे हैं। सिंपल आलू के साथ और 2 प्लेन वाले, बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि स्पाइसी होगा या नहीं खाना है उनके लिए। ये देखिए, हमारा जो फिलिंग है उसके साथ ब्रेड पकौड़े रेडी हैं। अब हम इनको डिप करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन का उसमें, और गरम तेल में डालकर इनको फ्राई करते जाएंगे। जब एक तरफ से ये थोड़े रेडिश ब्राउन हो जाए तो इनको पलट लीजिए, दूसरी तरफ कर लीजिए। जब आप ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, आप बेटर है एक टिश्यू पेपर में ही इनको निकालिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। टिश्यू पेपर्स जो किचन टॉवल होते हैं वो सोख लेते हैं सारा ऑयल। इसी तरह से जो हमारे फिल्ड थे चटनियों के साथ और आलू के साथ, वो भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं।
आप इनको अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं, जैसे बच्चों को अलग अलग शेप्स और अलग अलग फिलिंग के साथ टेस्टी लगते हैं उसके हिसाब से बना लीजिए। ये देखिए टेस्टी ब्रेकफास्ट चाय के साथ या शाम की चाय के साथ, बहुत ही चटपटा। इसको आप इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।